मनुवाद की मानसिकता वाली सरकार जो है सेंटर में भी आ गई है और उत्तर प्रदेश में भी है। तो उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पानी के साथ ही है। हज़ारों हज़ारों साल तक उन्होंने अपने कुओं से पानी नहीं पीने दिया जिनको वो शूद्र कहते हैं। ये सच्चाई है। तो अब देश को वो संविधान तोड़कर मनुवाद की तरफ और मनुस्मृति की तरफ ले जाना चाहते हैं। उसकी पहली शर्त तो यही है, पानी नहीं पिया जा सकता। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मुस्लिम बच्चे को इस बेरहमी से मारा गया है और सिर्फ इसलिए मारा गया है कि उसने मंदिर में जाकर पानी पी लिया। जब उस बच्चे से पूछा गया कि तुम क्यों गए थे मंदिर में, तो बड़ी मासूमियत से उस बच्चे ने कहा कि मैं मंदिर में पानी पीने गया था। जब उसने ये बात कही तो हमें नहीं लगा था वीडियो देखकर कि ये जो शख्स है ये इस बच्चे को इस बेरहमी के साथ पीटेगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह से जो लोग करते हैं कानून को वो शर्मसार करते हैं, वो देश के संविधान को शर्मसार करते हैं, इस पूरे मामले में कानूनी पहलू क्या है, इनके खिलाफ क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो और लोग इस तरह की हरकतें ना कर पाएं? कि सबसे पहले तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि देश में हमारे दो ही तरह की मानसिकताएं हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो ये पानी वाला इशू जो है समझ में नहीं आएगा। एक मानसिकता है मनुवाद, जो इंसान को इंसान से कम, छोटा बड़ा समझती है। ये कहती है कि कोई व्यक्ति जो है एक आम तालाब से पानी नहीं पी सकता, एक आम कुएं से पानी नहीं पी सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता, अगर पढ़ाई कर ली तो उसके कानों में सीसा डाल दिया जाएगा, बिजनेस नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, जब तक कि वो एक ख़ास कास्ट से, यानी कि ब्राह्मण और या किसी सो कॉल्ड जो स्वर्ण कास्ट है उससे बिलोंग नहीं कर सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसके अलावा सब लोगों को एक कैटेगरी में डाला जाता है जिसको शूद्र कहा जाता है। ये है ब्राह्मणों की और मनुवादी मानसिकता की तर्जुमानी। एक तो तरफ ये, दूसरी तरफ है अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवाद ये कहता है कि दुनिया में सब बराबर हैं, हमारे देश में सब बराबर हैं, कोई भी व्यक्ति एक आम तालाब से या कहीं से भी पानी पी सकता है, सब बराबर है, किसी के पानी पीने ना पीने से गंदा नहीं होता पानी और साफ नहीं होता। ये अम्बेडकरवाद है, जिसमें रिजर्वेशन भी आती है कि जो जिनके साथ ज्यादती हुई है, सभी लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, सभी लोगों को नौकरियों में, जो कमज़ोर वर्ग रहे हैं हमारे समाज में, जिन्हें हज़ारों साल से प्रताड़ित किया गया है, वो उनके रिजर्वेशन भी है। तो मनुवाद जो है, आज की जो मानसिकता है, मनुवाद की मानसिकता वाली सरकार जो है सेंटर में भी आ गई है और उत्तर प्रदेश में भी है। तो उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पानी के साथ ही है। हज़ारों हज़ारों साल तक उन्होंने अपने कुओं से पानी नहीं पीने दिया जिनको वो शूद्र कहते हैं। ये सच्चाई है। तो अब देश को वो संविधान तोड़कर मनुवाद की तरफ और मनुस्मृति की तरफ ले जाना चाहते हैं। उसकी पहली शर्त तो यही है, पानी नहीं पिया जा सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता कोई, ये सब तो ये उनके लिए नेचुरल बात है। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि मनुस्मृति लागू कराने की और संविधान को ख़त्म करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति, अगर उसका व्यक्ति की सरनेम मैंने पढ़ा, वो ठीक पढ़ा, तो वो तो शूद्र की कैटेगरी में आता है। अब वो स्वयं ऐसी हरकत कर रहा है, तो इससे एक और बात समझ में आती है कि जब वो स्वयं, वो व्यक्ति, और वो ध्यान से इस बात को सुन ले, जब वो किसी ब्राह्मण के कुएं में से पानी पी के जाएगा तो उसका भी यही हशर किया जाएगा जो वो उस बच्चे के साथ कर रहा है। वो व्यक्ति ध्यान से सुन ले, और नहीं तो आजमा के देख ले कभी भी, जो इसने ये बच्चे के साथ किया है तो ये उसका काम नहीं होना चाहिए। उसको जो एकदम बरगला लिया गया है, वो स्वयं, मैं उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये बात, कि वो जाके किसी ब्राह्मण के कुएं में से पानी पीकर दिखाए, तो उसके साथ यही असर होगा जो उसने इस बच्चे के साथ किया। तो वो अपने आप को उस बच्चे की जगह रखे सबसे पहले। मगर अब दूसरी बात यह है कि हम ये बता दें ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो भी मनुवाद की ये हरकतें करेगा उसकी सही जगह फिर जेल है, क्योंकि अम्बेडकरवाद यानी कि भारत का संविधान किसी भी मनुवादी को, चाहे वो किसी भी शक्ल में सामने आए,
रहने नहीं देगा। इंसान इंसान बराबर होता है, ये हमारे संविधान की गारंटी है। किसी को इस तरीके से मारपीट नहीं की जा सकती, ये हमारे संविधान की गारंटी है। इस बात का सभी मनुवादी ध्यान रखें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, संविधान से ऊपर कोई सरकार नहीं है। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे योगी साहब, तो इसका मतलब योगी साहब के खिलाफ भी कार्रवाई कानूनी करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि वो मनुस्मृति को सपोर्ट करने का काम करेंगे, भारत के संविधान को तोड़ने का काम करेंगे। पराचा साहब, उसी मंदिर की अगर बात करूं, डासना देवी मंदिर के जहां का ये पूरा मामला है, उसी मंदिर के दो वीडियो और वायरल हुए बहुत तेज़ी से। एक वीडियो में जिसमें लगातार लोग बंदूक चला रहे हैं, गन चलाने की प्रैक्टिस हो रही है, और वहां महंत भी बैठे हुए हैं, वो लोग जो भगवा पहने हुए हैं, वो तमाम लोग नीचे बैठे हुए हैं और वहां ज़ोरों से बंदूकें चलाई जा रही हैं। तो ये किस तरह का कल्चर फैलाने की कोशिश है ये? नहीं, देख लीजिए, अब वो तो हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि मनुवाद जो है वो अम्बेडकर वाद से सबसे ज़्यादा डरता है, भारत के संविधान से सबसे ज़्यादा डरता है, और सबसे ज़्यादा दुश्मनी भी अम्बेडकर साहब से और भारत के संविधान से रखता है। तो ये बंदूकों से कुछ नहीं होने वाला। हज़ारों साल तक हथियार जो है सिर्फ सो कॉल्ड स्वर्णों ने रखे हैं, क्या हो गया उससे, कुछ फ़र्क पड़ा? वो ना बहादुर थे ना बहादुर हो सकते हैं। इसीलिए बहादुर हमेशा अम्बेडकरवादी होते हैं, क्योंकि वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते, वो कलम में विश्वास रखते हैं। तो इस बात को समझ लेना चाहिए। कलम जो है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था, जो एक कलम है वो हज़ार तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो हम इनकी सारी बंदूकों को, इनकी सारी तलवारों को, जो ये कायर लोग दिखाते हैं अपना डर छुपाने के लिए, बाबा साहब की कलम से इनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और इन्हें जेल भेजेंगे। यही बात है सीधी सी। तो आपको लगता नहीं कि सरकार इन पर कोई एक्शन लेगी? जो आप एक्शन लेने की बात करते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार को ये स्टेप पहले लेना चाहिए? आपको तो ज़रूरत ही ना पड़े। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ, अगर सरकार संविधान के हिसाब से चल रही होगी तो वो जो है वो कानूनी काम कर रही है। अगर सरकार संविधान तोड़ के काम कर रही है तो सरकार कोई संविधान से ऊपर तो नहीं है। कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर संविधान से ऊपर नहीं है। सब संविधान की सेवा करने के लिए बने हैं, बनाए जाते हैं थोड़े थोड़े दिन के लिए, और संविधान के ऊपर चलने के लिए बनाए जाते हैं, यही वो शपथ लेते हैं। अगर वो तोड़ते हैं तो वो क्रिमिनल्स हैं, वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा संविधान। इसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी बात ही नहीं है। तो योगी जी अगर संविधान के हिसाब से चलेंगे तो वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम करेंगे, अगर संविधान तोड़ के काम करेंगे तो वो एक क्रिमिनल, ऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरह काम करेंगे। ये योगी जी को तय करना है, वो संविधान के हिसाब से चलकर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम करना चाहते हैं, संविधान तोड़कर एक अपराधी की श्रेणी में आना चाहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा का कि ये एक पूरा मामला जो है एक भड़काने के लिए और इस तरह की चीज़ें सामने लाने के लिए, और ख़ासतौर से जब वीडियो बनाकर वायरल की जाती है, तो उसका एक सीधा मकसद ये होता है नफरत फैलाना, डराना। लेकिन किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। साफ तौर पर महमूद पराचा कह रहे हैं संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई होम मिनिस्टर हो या कोई चीफ मिनिस्टर हो, सबसे ऊपर संविधान है, सबसे ऊपर कानून है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।